हरियाणा एच 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सोना गांव में स्थित बाबा लक्ष्मण दास मंदिर में जो दान पत्र रखा था, चोरों ने ताला तोड़कर दान पत्र से हजारों रुपए की चोरी कर ली है। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि दो चोर मंदिर की चार दीवारी को फांद कर अंदर घुसे और पूरा जो दान पत्र था उसे उठा कर ले गए, मंदिर के पीछे जाकर उसका ताला तोड़ा और फिर उससे नकदी चोरी की गई है। करीब 10,000 रुपये की राशि इसमें बताई गई है। जो महंत हैं गिरीश चंद्र मिश्रा, इन्होंने पुलिस को शिकायत दी। खरखोदा IMT एरिया में मारुति कंपनी तेजी से अपना प्लांट लगा रही है। हजारों की संख्या में वहाँ लेबर है, लेबर के साथ कई हादसे हो चुके थे, जिसको ध्यान में रखते हुए अब वहाँ पर खुद पुलिस कमिश्नर ने दौरा किया और वहाँ चौकी स्थापित करने की तैयारी कर ली है, ताकि भविष्य में IMT का थाना बनेगा तो वो चौकी उसमें मर्ज कर दी जाएगी। आज ही से पेट्रोलिंग सुविधा 24 घंटे के लिए शुरू करा दी है। चौकी का जितना स्टाफ होता है उतने स्टाफ की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डायल 112 भी वहीं आसपास रहेगी, ताकि हर कंपनी का मजदूर, मालिक, वर्कर या वहाँ से गुजरने वाले राहगीर या और छोटा मोटा काम करने वाले सभी लोग सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। इस मौके पर पुलिस विभाग के अन्य अधीनस्थ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उधर खरखोदा फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर परवेश दहिया के नेतृत्व में रामपुर कुंडल गाँव में छापामारी की गई। उन्हें सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से गैस के सिलेंडर का स्टॉक किया गया है, जो कि गैरकानूनी है, इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। जब छापामारी की गई तो मौजूदा स्थिति में भारी मात्रा में सिलेंडर वहां से मिले, जिन्हें जब्त करके गोदाम में भिजवा दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दे दी गई है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जल्द ही इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई सिलेंडर पुलिस जब्त कर चुकी है। IMT एरिया में बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडर भरने का सिलसिला भी पीछे सामने आया था, वो भी इंस्पेक्टर फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर हैं जो प्रवेश दहिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी और सिलेंडर जब्त करके FIR कराई गई थी, अब भी FIR कराई गई है। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को एक मुखबर के माध्यम से गुप्त सूचना मिली थी कि गाँव रामपुर में एक नाम का युवक अपने प्लाट में सिलेंडरों का अवैध धंधा करता है, जिसकी सूचना पाकर प्लाट पर रेड की गई तो प्लाट के अंदर संदीप नामक युवक 32 छोटे घरेलू सिलेंडर 14.2 किलो वाले व 8 कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो वाले मौके पर पाए गए। संदीप को मौके पर पकड़ करे और सिलेंडरों सहित ऐसे चोखर खोदा को कानूनी कार्रवाई के लिए लिख दिया गया। सिसाणा गांव में स्थित स्वामी दयानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को 11,000 रुपए की सहयोग राशि जग उत्थान शिक्षा खेल समिति द्वारा दी गई। इस मौके पर विधायक पवन खरखोदा मौजूद रहे। पवन खरखोदा ने यह राशि विद्यालय के छात्राओं के कल्याण के लिए दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कल्याणकारी कार्य दूसरी संस्थाओं को भी करने चाहिए। उन्होंने बताया वो जग उत्थान शिक्षा खेल समिति के आजीवन सदस्य भी हैं। इस मौके पर प्राचार्य पिंकी, विद्यालय डायरेक्टर संदीप दहिया भी उपस्थित रहे। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपली में आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के तत्वाधान में प्राचार्य डॉक्टर तराना नेगी की अध्यक्षता में अभिभावक व ग्रामीणों के साथ मिलकर दिवाली मेले का आयोजन किया गया। इसमें मधुलता, प्रियंका, वरिष्ठ सदस्य किरण सरोहा, विद्यार्थी सहित विभिन्न स्टॉल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए, जिसमें प्रिया, निशा, शिवानी, रोमा, पुष्पा, परी, जन्नत, ईशा, पिंकी सहित कई छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें खानपान के स्टॉल, बेलपूरी, गोलगप्पे, खीर, काफ़ी, पास्ता, साथ साथ हरियाणवी थाली का लुत्फ आगुंतुकों ने उठाया। विद्यार्थियों ने दिए, कॉस्मेटिक का सामान, राजधानी हैंडीक्राफ्ट, पर्स, दुपट्टा, गोटा पट्टी, इस तरह के बहुत सारा सामान इस मेले में रखा गया और जो ग्रामीण आए थे उन्होंने इसका खूब आनंद लिया।
खरखोदा आईटीआई में रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें 101 बच्चों का चयन प्राइवेट कंपनियों में जॉब के लिए किया गया है। जल्द ही उन्हें नियुक्ति के लेटर मिलेंगे और उनकी ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड पंचकुला के जिला समन्वयक शिव प्रसाद ने जैव विविधता जागरूकता अभियान के तहत सोहटी गांव के राजकीय विद्यालय में एक कार्यक्रम किया। छात्रों को बताया किस तरह से वन्य जीव प्राणी जरूरी हैं और उनका कैसे संरक्षण किया जा सकता है, कैसे वनों का संरक्षण करके हम वन्य जीव प्राणी का भी संरक्षण कर सकते हैं। उन्होंने बताया किस तरह से ये वन्य जीव का चक्कर चलता है, वह चक्कर बहुत ही जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक किया गया और इस तरह के जागरूकता अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे। कल्पना चावला विद्यापीठ स्कूल की छात्रा प्रियंका का राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भारतोलन प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता यमुनानगर में तेजली स्टेडियम में आयोजित की गई थी। यमुनानगर में हुई प्रतियोगिता में छात्रा ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके लिए इनका चयन अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। विद्यालय डायरेक्टर धर्मराज खत्री ने बताया कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राएं खेलों में भी आगे बढ़ रहे हैं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D-4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।